सो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कल आप लोगों ने इंस्टा पे दिए, उनमें से कुछ 5 सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। आप बॉलीवुड पिक्चर्स में फीचर क्यों नहीं करते? क्योंकि 2 साल की कुछ रीज़न की वजह से 2 साल में वर्कआउट नहीं कर पाया था, तो मैंने काफ़ी वज़न बढ़ा लिया था, जिस वजह से मेरे को ये था कि जब इस म्यूज़िक सीन में मुझे था, इस इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन में जब मैंने ही फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग प्रमोट की, तो मुझे गानों में तब आना चाहिए जब मैं वापस अपनी शेप में आ जाऊँ। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन अब मैं बहुत सारे गानों में, फिल्म में फीचर करने वाला हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन परफेक्शन। अगर आप फिट नहीं और ठीक नहीं दिख रहे तो इससे बेटर आप ना करो तो ज़्यादा बढ़िया, मेरी सोच ये है। लेकिन आप लोग प्यार करते हैं, आप लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, आप कंसर्न है, थैंक यू वेरी मच। ओके, ये वाला क्वेश्चन था लकी अरोरा का, जो भी मैंने बताया। ओके, नवनीत कौर शर्मा ऑफिशियल, विच वन वॉज योर फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? देखो, एक आर्टिस्ट की लाइफ नहीं होती कि कुछ भी एक टर्निंग पॉइंट मिल गया और लाइफ बन गई। थ्रू आउट बहुत सारे टर्न्स मिलते हैं। शुरू में मैंने खड़के गलासी गाना बनाया था, एक टर्न मिला। फिर मैंने दिलजीत के लिए गाना बनाया पंगा, एक टर्न मिला एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। फिर मैंने दिलजीत के साथ गाना बनाया था लक 28, एक और टर्न मिला। फिर ब्राउन रंग आया, फिर अंग्रेज़ी बीट आया, फिर पार्टी ऑन लाइट आया, लुंगी डांस आया, 4 बॉटल, ये सब एक टर्न्स ही हैं। तो हर मोड़ पे मेरी किस्मत बदली है और बेहतरी की तरफ गई है, जिसकी वजह से आपके सामने मैं बैठा हूँ। ओके, असली सिड का सवाल है, विल यू डू एक्टिंग अगेन? भाई बड़ा मुश्किल काम है एक्टिंग करना, ठीक है जी, बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग करना। जो लोग एक्टिंग करते हैं उनको मेरी तरफ से सलूट, सलाम है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि जब आप फ्लो में होते हो, आपकी चारों तरफ बातें चल रही हैं, तो आपको लोग बहुत चीज़ों के लिए पसंद भी करते हैं और बहुत चीज़ों के लिए नापसंद भी करते हैं। तो कई लोग आपको बहुत चीज़ों के लिए पसंद करते हैं, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है उस दौरान कि चलो इससे ये करा के देखते हैं, चलो इससे वो करा के देखते हैं। तो उस दौरान मेरे पास भी कुछ प्रपोजल आए एक्ट करने के लिए, तो मेरे को लगा था मैं कर पाऊँगा, लेकिन बड़ा बकवास एक्टर हूँ मैं, तो मुझसे हुई नहीं एक्टिंग एक्चुअली ना, बहुत मुश्किल काम है। हम लोग जो लिखते हैं, जो लाइफस्टाइल है वो गाते हैं, वो लिख देते हैं, विच इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, उसको इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि हमारा काम है। इसलिए जिन लोगों से मैं एक्टर यार दोस्तों से पूछता हूँ, यार कैसे कर लेते हो, कहते हैं हमारे लिए आसान है। तो बट मेरे को ये समझ में आ गया है कि एक्टिंग इज नॉट माई कप ऑफ कोला। ओके, दीप मुल्तान ऑफिशियल, विच सॉफ्टवेयर यू यूज टू मेक म्यूजिक? मैंने 2003 में एक सॉफ्टवेयर शुरू किया था, जिसमें 2004 में एक सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया था। उसका नाम है सोनिक फाउंड्री का एसिड 4। दोबारा रिपीट करूँगा, सोनिक फाउंड्री का एसिड 4। एक डॉ है जो बहुत घिसा पिटा पुराना तरीके का डॉ है, लेकिन मैं आज भी उसी पे काम करता हूँ। तकरीबन 15, 16, 17 साल हो गए, उसी पे सारी बीटें बनी है। और कभी कभी FL स्टूडियो, फ्रूटी लूप्स, और कभी कभी मैं रीज़न यूज़ कर लेता। रीज़न का भी पुराना वर्जन रीज़न 4। मेरे को ये लगता है कि आपका दिमाग और आपकी सोच एडवांस होनी चाहिए और मॉडर्न होनी चाहिए। जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माइक इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे लगता है कि माइक आपके पास अपडेटेड होना चाहिए, और मैंने भी एक अपडेटेड एक्सक्लूसिव माइक मंगाया है जो बहुत रेयर है वर्ल्ड में। तो आपको उस पर गाने, आने वाले गाने उसी पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है जी। लुक, ओके, यस, शिवम जोशी, साइड लुक का ट्रेंड आपने ही स्टार्ट किया था, आज भी यही वायरल है। दैट साइड ऑफ हेयर डू इज योर आइडेंटिटी, प्लीज़ लुक में जल्दी आओ ना। ओके, ये बहुत लोगों की तरफ से आ रहा है कि मैं पुराने वाले बाल यहाँ से उड़े हुए क्यों नहीं रख रहा हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न है। पहले मैं लीन था काफ़ी, उस पुराने फिटनेस से मैं 15 kgs अप हूँ। फेस मेरा ऑलरेडी राउंड है, गोलगप्पे वाला फेस है, तो ये भी रीज़न है। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया था वो बाल मैंने रखे 3, 4 साल, 5 साल लगे, फिर सब लोग सीन में वही बाल बनाने लग गए थे। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। मैंने कम बैक करना था मखना के लिए, मैंने स्पेशली 1.5 साल लगा के बाल बढ़ाए, और कई लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। थोड़ा मेच्योर लुक आती है मेरी उसमें, मैं बात मानता हूँ, लेकिन आप देखना थोड़ा सा देखा मैं नई भी चीज़ करी उसमें। ये देखो चुटिया बना दी मैंने, तो ये भी लेकर आऊँगा मैं, सब करेंगे। देखिए, तो देखो पुराना वक्त गया जो गया, जो चीज़ पुरानी है वो पुरानी है। नई की बात करते ना, टॉक टुडे। पुराने लुक में कब आओगे? पुराने लुक छोड़ो, नए अवतार में, और कितने नए अवतारों में आओगे, ये पूछो हमसे आप।